हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज आपके सामने निटिंग का बेहद आसान एक मल्टीपर्पज़ यूज़ होने वाला एक पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही आसान है ये जो वाइट ये मैंने डाला हुआ है, इतना ही से पैटर्न बेहद खूबसूरत लगेगा। वेवी पैटर्न है ये। तो यहाँ पर आपको डालने के लिए मल्टीपल ऑफ 11 स्टिचेस आपको डालने होंगे, और ये फोर रोज चार लाइन का एक चार रोज का एक पैटर्न है जो इतना दिखता है। ये आपको चार रोज का एक पैटर्न है, तो चार बार मैंने रिपीट किया है तो इस तरह से दिखेगा। ये जो पैटर्न है आप शॉल, स्कार्फ, कैप या पूरा कार्डिगन, पूरा स्वेटर में डाल सकते हो, या इसको बॉर्डर में डाल सकते हो, या स्टार्टिंग एजेस के लिए डाल सकते हो, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। या इतना दो दो पीस का जो मल्टीपल ऑफ 11 आप दो बार रख के एजेस में भी आप डाल सकते हो, तो ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला। एंड ये उतना मोटा भी नहीं दिखेगा डिज़ाइन, एंड पतला नॉर्मल डिज़ाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका भी रिटर्न इंस्ट्रक्शन आपको स्क्रीन के ऊपर मिलता जाएगा। जैसे मेरे चैनल पे जो भी पैटर्न है उसके आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शन इंग्लिश का जो रिटर्न टाइटल है आपको मिलते जाएंगे, इसका भी आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमें मल्टीपल ऑफ 11 स्टिचे चाहिए होंगे, तो मल्टीपल ऑफ 11 के हिसाब से हमें फंदे डालने होंगे, और फोर रोज का पैटर्न है, वही चार रोज हमें रिपीट करने होंगे, 1-4 रोज। तो रो वन हम स्टार्ट करेंगे। ये रो वन राइट साइड से शुरू होने वाला पैटर्न है, तो रो वन के लिए यहाँ पे रो वन राइट साइड से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सारे स्टिचेस हमें सीधे बुनेंगे, तो बॉर्डर भी मैं सीधा ही बुनूंगी। यहाँ पे इसको हम नॉट डाल देंगे। रो वन हम राइट साइड से शुरू करेंगे। राइट साइड से सारे फंदे हमें सीधे ही बुनने हैं एंड तक। रो वन निट ऑल, तो रो वन हम कंप्लीटली इसको सीधी बुनाई बुनेंगे। तो इसी तरह से ये रो वन का रो मैं कंप्लीट कर लूँगी। रो वन कंप्लीट हो गया है। अब रो टू, रो टू हमें सारे स्टिचेस उल्टे बुनने हैं, तो एज स्टिच में स्लिप कर लूँगी। तो ये सारे स्टिचेस हमें उल्टे बुनते हुए जाने हैं, पर्ल ऑल। ये सारे स्टिचेस हम अब ये मार्कर निकाल देंगे हम। तो ये सारे स्टिचेस रॉन्ग साइड पे पर्ल ऑल, इसी तरह एंड तक मैं ये उल्टे बुन लूँगी। अब रो टू कंप्लीट हो गया है। रो थ्री अगेन राइट साइड पे हैं। राइट साइड पे हमें यहाँ पे स्टार्टिंग से ही, अगर आप एज स्टिच रखना चाहते हो तो रख सकते हो, तो यहाँ पे करेक्ट स्टिचेस हैं, तो एक्स्ट्रा हमें दो का एक करना है उल्टी बुनाई करते हुए। तो एक दो बार वही रिपीट करना है, पर्ल टू टुगेदर। ये फर्स्ट टू स्टिचेस उल्टा ही बुनेंगे हम, पर्ल टू टुगेदर, और इन नेक्स्ट दो स्टिचेस को भी उल्टा ही साथ में बुनेंगे, पर्ल टू टुगेदर टू टाइम्स। हो गया है। अब हमें जाली डाल के एक सीधा बुनना है, तो ये धागा आगे ही हमारे तरफ है, तो यहाँ पे जाली भी पड़ेगा और एक सीधा भी बुनेंगे। तो जाली डालते हुए एक स्टिच सीधा बुनेंगे, वो तीन टाइम हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे जाली डाला, जाली और एक सीधा, फिर जाली, एक सीधा, फिर जाली और एक सीधा, तीन टाइम हमने रिपीट किया। फिर हम जाली डालेंगे यहाँ पे यार्न ओवर, जाली डालते हुए फिर हम यहाँ पे धागा आगे है, तो यहाँ पे हमें
पर्ल टू टुगेदर अगेन, जैसे हमने पहले किया था वैसे दो का एक उल्टा बुनना है, तो धागे यहाँ पे जाली भी डालनी है। इस तरह से घुमा के आगे लेके आएंगे और इन दो स्टिचेस को मिला के एक करेंगे, फिर दो स्टिचेस को मिला के एक करेंगे। तो ये 11 स्टिच का ये जो ग्रुप है यही हमें रिपीट करते हुए जाना है। और एक बार मैं रिपीट करके दिखाती हूँ, पर्ल टू टुगेदर, पर्ल टू टुगेदर, फिर यहाँ पे यार्न ओवर, अपने आप से यहाँ पे जाली पड़ जाएगी, ये यार्न ओवर निट वन, यार्न ओवर निट वन, यार्न ओवर निट वन, ये 3 times कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे जाली डालते हुए घुमा के दो साथ में मिला के ये उल्टा बुनेंगे, फिर ये साथ में उल्टा बुनेंगे, यही हमें रिपीट करते हुए जाना। और एक बार मैं यहाँ पे वही रिपीट करके दिखाती हूँ, इसी तरह और एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको रिपीट करके। पर्ल टू टुगेदर, पर्ल टू टुगेदर, और धागा आगे ही है, हमें यहाँ पे जाली डालनी है, यार्न ओवर निट वन, यार्न ओवर निट वन, और यार्न ओवर निट वन, और यहाँ पे फिर जाली, यहाँ पे यार्न ओवर करके पर्ल टू टुगेदर और पर्ल टू टुगेदर, यही हमें एंड तक यही रिपीट करते हुए जाना है। रो नंबर थ्री हमने कंप्लीट कर लिया। अब रो नंबर फोर, रॉन्ग साइड, रो नंबर फोर हमें सारे स्टिचेस उल्टे बुनने हैं, तो फर्स्ट स्टिच से ही ये उल्टा बुनेंगे हम, सारे स्टिचेस हमें उल्टे बुनते हुए रो कंप्लीट करेंगे, यही रो 1 to रो 4 रिपीट करते हुए जाएंगे। तो मैं ये कुछ रोज रिपीट होने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ। ये पैटर्न, वेवी पैटर्न, बहुत ही सुंदर लगता है, चाहे फुल स्वेटर या फुल शॉल, फ्रॉक या फुल प्रोजेक्ट में डालिए, या बॉर्डर में डालिए, या स्लीव्स पे डालिए, बहुत ही खूबसूरत लिखने वाला एक इजी पैटर्न है। आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शन स्क्रीन के ऊपर मिलता होगा, जो भी मेरे चैनल पे पैटर्न है उसके आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शन स्क्रीन के ऊपर इंग्लिश सबटाइटल में मिलेगा, आप ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलिएगा। तो ये रो नंबर फोर ये कंप्लीट मैं उल्टा बुन लूँगी, और यही रो 1 to 4 में रिपीट करते हुए जाऊँगी। तो इसी तरह वही 4 rows मैंने रिपीट करते हुए गया है, तो ये इस तरह से मिलेगा पैटर्न। ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, बेहद आसान बिगिनर फ्रेंडली एक पैटर्न है, वेवी लेस काइंड ऑफ पैटर्न है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय। मेरे चैनल पे जो भी प्लेलिस्ट है एक बार चेक करना ना भूलिएगा, शायद आपको कोई वीडियो अच्छा लगे तो देखना ना, और ट्राई करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो टेक केयर एंड बाय।